पट्टी करने के लिए सारा सामान ले आया हूं मैं। ये जोड़ा उतारना होगा तुम्हें तुम्हारे सामने। बाहर चला जाता हूं मैं। एक आध जोड़ा तो रखा ही होता है यहां, बिल्कुल साफ है। पट्टी होने के बाद तुम इसे पहन लेना, अगर साफ नहीं किया गया तुम्हारा जख्म तो ज्यादा बीमार हो जाओगे। तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। अंदर आ सकते हो। थोड़ी तकलीफ होगी इससे। कोई बात नहीं, दर्द सहने की आदत हो गई। बस बस हो गया। वैसे फिकरत अभी तक मरा नहीं है, वो जिंदा है। तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? हॉस्पिटल में सब यही बातें कर रहे थे। उसे जख्मी हालत में लाया गया था, सर्जरी हुई है। ये अल्लाह तेरा शुक्र, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। तो फिर क्यों किया तुमने ऐसा? चुरी मैंने खुद को मारने के लिए उठाई थी। उसे मेरे हाथ से छीन रहा था और ऐसे में यह हादसा हो गया अचानक। अब वो मुझे हर जगह तलाश कर रहे हैं। शुक्रिया। कपड़े बदल लो, मैं यही हूं, कोई काम हो तो आवाज दे देना। देखो जरा लड़का लग रही हो तुम तो बिल्कुल।
चलो फिर कुछ खाने को लाता हूँ मैं। नहीं जरूरत नहीं। खैर बता देना अगर कुछ चाहिए, मैं बाहर ही हूं काम कर रहा हूं। ठीक है साहित। शुक्रिया। बताओ तुम क्या करती हो वैसे, यानी कहीं नौकरी वगैरह करती हो? करती हूँ नहीं, करती थी। खेतों में काम करती थी मैं, वहां अंगूर चुनती थी और साथ ही घर के कामकाज भी, बस इतना ही। तो क्या खेतों में काम करना मुश्किल होता है? हर जगह काम करना मुश्किल है, लेकिन मुझे खेत में काम करना पसंद है। जब मैं छोटी थी तो पूरे रास्ते दौड़ती थी, और जब हवा चलती थी तो उफ लगता था जैसे ऊपर उड़ जाऊंगी मैं और परिंदों की तरह परवाज करूंगी। मुझे दौड़ने का शौक था। जब मैं अफसरदा होती थी तो तब भी दौड़ने लगती थी मैं। मैंने देखा है दौड़ते हुए तो वैसे। इसके अलावा? इसके अलावा कालीन बुनती हूँ मैं। अम्मी ने सिखाया है ये काम मुझे। तो क्या बनाती हो कालीन पे? सब कुछ, फूल भी, परिंदे भी, और कभी कभी तो मतलूहान की तस्वीर भी। कौन है ये? कोई जाने वाला है तुम्हारा? मेरी चाहत। गाँव से ही है तुम्हारे? जी गांव से, पंसारी की बिल्ली है। यानी वो एक बिल्ली है? बिल्कुल, आपको उसे देखना चाहिए, वो बिल्कुल इंसानों की तरह पेश आती है। मैंने तो मतलूहान के साथ भी कालीन बुने हैं, लेकिन फिकरत से मेरी शादी हो जाएगी मुझे मालूम नहीं था। क्या पत्थर तराशने जा रहे हैं? सोचा नहीं अभी इस बारे में। मैं जाऊंगा, वो असल में घर वाले इंतजार कर रहे हैं मेरा। ठीक है, जब आप सुबह आएंगे तो मैं चली जाऊंगी। तुम्हारा जख्म भी ठीक नहीं हुआ? नहीं ठीक हूं अब मैं। ज्यादा नहीं सोचो, ऐसे जाना ठीक नहीं है। कल शाम तक चले जाना, ठीक है? लेकिन सुबह जब आपके दादा आएंगे तो क्या कहोगे? वो कल जुमा है इसलिए नहीं आएंगे। पहले वो कब्रिस्तान जाएंगे, फिर वहां से वो मस्जिद जाएंगे, इसलिए कल शाम तक चले जाना, ठीक है ना? ठीक है, चले अब आप जाएं, घर वाले फिक्रमंद हो रहे होंगे। चलो अपना ख्याल रखना, ठीक है? मोमबत्ती जला लेना और दरवाजा बंद रखना। डरोगी तो नहीं तुम मेरे बगैर यहाँ? बिल्कुल नहीं। रात में अगर तुम्हें भूख लगती है तो कुछ मेवे और बिस्किट्स रखे हुए हैं और पानी वहां रखा हुआ है, ठीक है? बल्कि वहां पर भी कुछ खाने को रखा हुआ होगा। ठीक है, काम करना, आप फिक्र मत कीजिए। शुक्रिया। ठीक है, समझ गया। चलो शब बखैर। शब बखैर। और अब्बा कोई रहा।